Hi friends, welcome back. I am Dr. Asha Gowde, gynecologist and IVF consultant. Umang Hospital, Hadapsar, Pune. I welcome you all YouTube channel. Pe bahut bahut swagat karti hu. Basically, today's video is very special. Mainly, those who want to do IVF, unke liye ye video rahega ki the day of embryo transfer. बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहते हैं आप कि आपका आईवीएफ का प्रोसीजर चल रहा है, बहुत सारी दवाई आपने खाई है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन है आपके. अभी डॉक्टर ने आपको प्रोजेस्टेरोन के इंजेक्शन डाले हैं और डॉक्टर ने बताया है कि डॉक्टर अभी आपका 10 तारीख को सुबह 8 बजे ट्रांसफ़र है. 9 तारीख को रात को तो आपको नींद ही नहीं आती कि कल मेरा ट्रांसफ़र होने वाला है, कैसे होगा, क्या होगा. तो एक्चुअल में आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे होता है ये आज के वीडियो में हम लोग लाइव देखने वाले हैं कि हमारे सेंटर में हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसे करते हैं. तो पहले चीज़ पे आते हैं कि आपको ट्रांसफ़र का जो टाइमिंग हम लोग बोलते हैं, वहाँ से आपको 2 से 3 घंटा पहले हम लोग एडमिट करते हैं. एडमिट यानी आपको सलाइन वगैरह कुछ भी नहीं लगाते, आपको हॉस्पिटल में वो टाइम पे शार्प पहुँचना है. आपको बहुत सारा पानी पीने को बोलते, कम से कम 3 लीटर पानी तो बोलते ही है. तो मैं पेशेंट को पहले ही बोल के रखती हूँ कि आपको 3 बिस्लेरी के बॉटल ला के रखने हैं. दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपको फास्टिंग रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एनेस्थीसिया या आपका ऑपरेशन नहीं करने वाले. एक बेसिक IUI के जैसे हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते, सिर्फ सोनोग्राफी में देख के हम लोग आपके एम्ब्रियो आपके यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं. तो आइए देखते हैं कि आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने के पहले हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में कैसे काम करते हैं. तो सबसे पहले जो आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का टाइमिंग रहता है, वहाँ से एक 2 से 3 घंटा पहले ही एम्ब्रियोलॉजिस्ट लैब में पहुँच जाते हैं. आपके जो एम्ब्रियो हम लोगों ने फ्रोज़न कैन में रखे हैं, वो एम्ब्रियो को वो थॉ करते हैं. उसको थॉइंग प्रोसीजर बोलते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, ये जो पेट्री डिश उन्होंने निकाल के रखी है इसमें आपके एम्ब्रियो को वो निकालने वाले हैं. अभी ये जो आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है और ये जो सब फ्यूम्स आ रहे हैं, ये लिक्विड नाइट्रोजन के फ्यूम है और इसमें एक क्रायो डिवाइस है जिसको क्रायोलॉग बोलते हैं. इसे लंबी सी पेन के जैसी ट्यूब है, इसमें ये एम्ब्रियो आपके उन्होंने फ्रीज किए थे. अभी वो ट्यूब को हाथ में होल्ड करके माइक्रोस्कोप में देख के वो एम्ब्रियो को पेट्री डिश में निकाल रहे और वो माइक्रोस्कोप में चेक कर रहे हैं कि वो एम्ब्रियो प्रॉपर नीचे आए हैं या नहीं. अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि पेट्री डिश में उन्होंने मीडिया लिया है और वो जो एम्ब्रियो है उसको वो 2-3 बार उसमें ट्रांसफ़र कर रहे हैं. वो उनका स्टेप रहता है, वो एम्ब्रियो को स्टेप बाय स्टेप वो मीडिया में वो लोग ग्रो करते हैं, जिसको वो लोग कल्चर मीडिया बोलते हैं. तो ये जो एम्ब्रियो रहते हैं, जो फ्रोज़न एम्ब्रियो रहते हैं, वो क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा हार्ड और कड़क हुए रहते हैं. तो उनको सॉफ्ट होने देना पड़ता है. तो वो सॉफ्ट होने के लिए वो स्टेप बाय स्टेप 2-3 बार वो मीडिया में ट्रांसफ़र करते हैं. टाइम लिमिट उनका रहता है, वो टाइम लिमिट में ही उनको वो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करने रहते हैं. अभी वो कल्चर मीडिया में वो एम्ब्रियो ले रहे हैं, 2-3 बार उन्होंने वो एम्ब्रियो को स्टेप बाय स्टेप 1-2 बार पेट्री डिश में ट्रांसफ़र किया है. अभी वो माइक्रोस्कोप में कंफर्म कर रहे और प्रॉपरली माइक्रोस्कोप में देख के वो एम्ब्रियो को उन्होंने कल्चर मीडिया में लिया है. अभी वो लोग माइक्रोस्कोप में, ये बड़ा माइक्रोस्कोप है ICSI का, उसमें ये एम्ब्रियो कंफर्म कर रहे, चेक कर रहे कि वो एम्ब्रियो वो स्टेज में, उन्होंने जो स्टेज में फ्रीज किया था तो वो स्टेज में है या नहीं. अभी वो कल्चर मीडिया में एक ऑन एन एवरेज 2 से 4 घंटा वो लोग, ये लैबोटेक करके डिवाइस है, इंक्यूबेटर के जैसे रहता है, इसमें रख दिया है उन्होंने एम्ब्रियो और वो एम्ब्रियो जो हार्ड फ्रोज़न एम्ब्रियो था लैबोटेक में अच्छे से एक्सपांड हो जाएगा 2 से 3 घंटे में और उसके बाद हम लोग इसको ट्रांसफ़र करेंगे. तो अभी सेकंड स्टेप आती है आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, कि आपको हम लोग अभी ऑपरेशन थिएटर में ले रहे हैं. ऑपरेशन थिएटर यानी हमारा ऑपरेशन थिएटर और लैब तो कनेक्टेड ही रहता है. तो अभी आपको अंदर लिया है, आपको बेड पे लिटाया है. ये जो असिस्टेंट डॉक्टर है ये सोनोग्राफी में आपका एंडोमेट्रियम अच्छे से ट्रेस कर रहे, अच्छे से विजुअलाइज कर रहे कि आपके यूट्रस का अच्छे से लेंथ, एंडोमेट्रियम का लेंथ और यूट्रो सर्वाइकल एंगल बोलते हम लोग, जहाँ से आपके डॉक्टर जाने वाली है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए, वो लोकेट करके रख रहे. अभी ये मैं हूँ डॉक्टर आशा. इसमें हम लोग पाउडर्ड ग्लोव्स यूज़ नहीं करते हैं, नॉन पाउडर्ड ग्लोव्स यूज़ करते हैं. तो ये ग्लोव्स डाल के मैं ट्रांसफ़र की तैयारी कर रही हूँ. पेशेंट को हम लोग पोजिशन देते हैं जिसमें
वजाइना को क्लीन करना रहता है, तो इसमें हम लोग सिर्फ नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, बिटाडिन वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। तो ये अच्छे से क्लीन करते आपके वजाइना को, आपके एक्सटर्नल ऑस को, जो भी सर्वाइकल म्यूकस है उसको पूरा निकालते। ये आपके एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप रहती। और फ्रेंड्स एक चीज़ समझ लो, ये बिल्कुल भी पेनफुल नहीं रहता है। एक कस्को स्पेक्युलम करके स्टील का इंस्ट्रूमेंट आता है जो हम लोग वजाइना में डालते हैं और सिर्फ सर्विक्स को विजुअलाइज़ करते, और अच्छे से वो वजाइना सर्विक्स मैं क्लीन कर रही हूँ, सर्वाइकल म्यूकस में पूरा निकाल रही हूँ अच्छे से। ऑलमोस्ट एक 7 से 8 बार मैंने स्टराइल कॉटन से आपका सर्विक्स क्लीनिंग कर रही हूँ मैं, तो वो सर्वाइकल म्यूकस पूरा मुझे निकालना है ताकि एक भी म्यूकस का पार्टिकल रहा तो वो मेरे ब्लास्ट को या एम्ब्रियो को स्टिक हो सकता है और इम्प्लांट नहीं होने देगा। अभी मेरा सर्विक्स का क्लीनिंग पूरा हो गया, मैंने सर्वाइकल म्यूकस पूरा निकाला है। इसके बाद में जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर आता है उसके 2 पार्ट्स आते हैं, एक आउटर और इनर। तो आउटर मैं अभी अंदर डाल रही हूँ, उसका मैं पोजीशन लोकेट कर रही हूँ, और उसके बाद अभी हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो मुझे इनर कैथेटर में लोड करके देंगे। अभी देखो नेक्स्ट स्टेप आ रही कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं, वो जो थॉइंग के लिए एम्ब्रियो रखा था लैबोटेक में उसको उन्होंने बाहर निकाला है और वो कंफर्म कर रहे हैं कि वो एम्ब्रियो पूरा अच्छे से एक्सपांड हुआ है या नहीं। तो अभी उन्होंने कंफर्म किया, फिर अभी ये ईटी कैथेटर है जिसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर बोलते हैं हम लोग, इसमें माइक्रोस्कोप में देख के एम्ब्रियोलॉजिस्ट वो कैथेटर में आपके एम्ब्रियो लोड कर रहे। देखो वो एकदम स्मूथली हैंडलिंग होना है इसको, एकदम ही स्मूथ, ताकि आपको प्रेगनेंसी मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। और इसमें सब एक्सपर्टाइज रहता है, जितना हमारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट और हम लोग जितना केसेस करते हैं, जितना काम करते हैं, उतना हमारा हाथ स्मूथ रहता है। अभी एम्ब्रियोलॉजिस्ट एम्ब्रियो लेके आ रहे कैथेटर के थ्रू, और वो कैथेटर वो मेरे हाथ में दे रहे। कैथेटर उन्होंने मेरे हाथ में दिया है, और वो कैथेटर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैथेटर जिसमें एम्ब्रियो लोडेड है, जिसको मैं बहुत ही स्मूथली एंड स्लोली अंदर पुश कर रही हूँ, और साइमल्टेनियसली मैं ऊपर मशीन में देख रही हूँ कि मेरा जो इनर कैथेटर है वो कितना अंदर गया है। अभी ये सोनोग्राफी में देख के एम्ब्रियोलॉजिस्ट अभी ये पुश करते हैं एम्ब्रियो। इसमें हमारे मार्किंग रहते हैं यूट्रस का हाइट, और ये मार्किंग देख के हम लोग डिसाइड करते हैं। ऑन एन एवरेज हम लोग फंडस से 0.5 to 1 cm नीचे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, और ये इतना स्मूथली होना है कि कैथेटर को निगोशिएट होने को भी डिफ़िकल्टी नहीं होनी है। अभी वो कैथेटर एम्ब्रियोलॉजिस्ट बाहर निकाल रहे, वो कैथेटर निकाल के एम्ब्रियोलॉजिस्ट वापस से लैब में जाते हैं और वो फिर से एक बार चेक करते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर कि वो एम्ब्रियो यूट्रस में ट्रांसफ़र हुए या नहीं। काफ़ी बार वो एम्ब्रियो कैथेटर के थ्रू वापस आ जाते हैं, तो वो जब चेक करते हैं और मेरे को बोलते हैं कि मैडम एम्प्टी है, तो मतलब वो कैथेटर एम्प्टी है, एम्ब्रियो आपके यूट्रस में चले गए। फ्रेंड्स ये जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है कि एम्ब्रियोलॉजिस्ट आपके एम्ब्रियो 2 से 3 घंटा पहले फ्रोजन कैन से निकालते हैं, उसको थॉइंग करते हैं कल्चर मीडिया में, इनक्यूबेटर में रखते हैं, और थॉइंग करने के बाद में एकदम विदाउट पेन IUI के जैसे सोनोग्राफी में देख के वो एम्ब्रियो हम लोग अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और इसके बाद एक 15 मिनट्स में आपको वही पोजीशन में लेट रहने को बोलती हूँ, और उसके बाद तुरंत आपको वॉशरूम जाने को बोलती हूँ। ट्रांसफ़र के बाद 4 घंटा हम लोग हॉस्पिटल में रुकने को बोलते हैं, और उसके बाद आपको डिस्चार्ज करते हैं। अभी मोस्ट ऑफ दी सेंटर में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बेड रेस्ट नहीं बोलते हैं, लेकिन मैं मेरे पेशेंट को 4 दिन के लिए बेड रेस्ट बोलती हूँ, क्योंकि ये जो ब्लास्ट एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है या Day 3 का एम्ब्रियो ट्रांसफ़र है, ये पहले 4 से 5 दिन में इम्प्लांट होता है, और उसके बाद मैं हर घर का हल्का फुल्का काम या ऑफिस का काम स्टार्ट करने को बोलती हूँ। बाहर का खाना थोड़ा मैं मना करती हूँ पेशेंट को, और पेशेंट को कुछ सर्दी खांसी लूज़ मोशन एब्डोमिनल पेन नहीं होना है इसका ध्यान रखने को बोलती हूँ। फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद प्रोजेस्ट्रॉन के मेडिसिन है, इकोस्प्रिन है, हिपारिन के इंजेक्शन है, बारग्लोब है, ये सभी हम लोग देते हैं ताकि हम लोग को इम्प्लांटेशन अच्छा मिलेगा और प्रेगनेंसी रेट अच्छा मिलेगा। तो फ्रेंड्स अपना जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का लाइव वीडियो है वो अगर आपको पसंद आया होगा, आपको यूज़फुल लगा होगा,
तो आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो IVF करना चाहते हैं उनके साथ ये शेयर करो और उनको देखने को बोलो।